पार्टी गाइस, पार्टी। स्कैम हो रहा है, स्कैम। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 14 जनवरी एंड आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि आज हमें जाना है एक मीटिंग के लिए, प्लस कल कॉलेज वालों के सामने बात हो रही थी डोसा की, तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने गाइस से बोला था कि मीटिंग है तो डोसा भी खाने चलते हैं, तो पहले डोसा खाने जाएंगे, देन मीटिंग अटेंड करेंगे, देन कल मेरा बर्थडे है तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ गेट टुगेदर प्लान करा है, तो देखते हैं आगे का दिन, देन आपको साथ में ले चलेंगे। तो भाई मैं अभी एडिटिंग कर रहा था क्योंकि एडिटिंग हुई नहीं थी, एंड पापा की आज मीटिंग है स्टूडियो में, सो अभी पापा के साथ जा रहे हैं स्टूडियो ओपन करवाने, देन आगे जल्दी से एडिटिंग करेंगे, रेडी होंगे क्योंकि भागना है मीटिंग के लिए, मैं नहीं जाता मीटिंग के लिए, आज मैं मीटिंग के लिए लेट जाऊँ। इस गाड़ी का क्या करना है, पंचर करवा दें सर? अरे ये हर बार आके लगा देता और सीढ़ी के सामने लगाता है, तो पता नहीं किसकी। तो भाई पापा की मीटिंग के लिए सब चेयर्स वेयर्स लगा दिए हैं, अब जल्दी से घर भागेंगे क्योंकि एडिटिंग करके हमें भी भागना है, लेट्स गो। सो भाई व्लॉग पूरा एडिट हो गया है, उसको जस्ट सेव करके अपलोड पे लगाना है, एंड अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बीएड वीएड सेट कराने, कल बर्थडे है तो थोड़ा तैयार श्यार हो रहे हैं, तैयार क्या मतलब बेसिकली थोड़ा सही हो जाते हैं, जंगली से इंसान बन जाते हैं, कि थोड़ा सा ज़्यादा लेट नहीं बट थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, जल्दी से रेडी होके भागते हैं मीटिंग एंड डोसा खाने के लिए, लेट्स गो। भाई बड़ी उम्मीदों के साथ गया था मैं बीएड सेट कराने, बट काफ़ी ज़्यादा रश है तो उसने बोला है कि 15-20 मिनट बाद में आना, तो अब दुकान में बैठ के वेट कर रहे हैं, बट यस तब तक थोड़ा थंबनेल वगैरह बना लेते हैं व्लॉग का, तो टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो गाइस काफ़ी लेट हो गया बीएड सेट कराने में, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बट फाइनली बीएड सेट हो गया, तो अब जल्दी से नहाते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि ख्वाहिश बहुत पहले की निकल चुकी है, वो पहुँचने ही वाली होगी। गाइस मैं जस्ट अभी नहा के आया हूँ, ख्वाहिश का कॉल आया है कि वो आ गई है स्टूडियो के बाहर, तो मेरे पास 2 मिनट रेडी होने के लिए, जल्दी से तैयार होता हूँ वरना बहुत गाली पड़ने वाली है मेरे को। हेलो मैम। माय गॉड, आप अपने आप को दिखाओ एक बार, आप कैसे लग रहे हो अभी? मैं अपने आप को नहीं दिखा सकता। ये क्या फैला रखे हो जी? कपड़े हैं रेडी होने के लिए। इतना सारा पहन लिया आपने? तो आपने बोला अच्छे से पहन के जाना, ठंड है। कोई नहीं भाई, सेफ्टी जरूरी है भाई, सुरक्षा घाटा नहीं होता। ये क्या है, गंदे कपड़े? यस भाई, अब हम रेडी हो चुके हैं, जैसे ये मेरे पीछे नकल उतार रहे हैं कि हाँ गाइस हम हो गए तैयार, तो यस मैं तो हो गया तैयार, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे पड़े रहते हैं जल्दी जल्दी आके, बट यस आई एम रेडी। सो अरे रख रहा हूँ भाई, रख रहा हूँ बोलने तो दो। सो आई एम रेडी और जल्दी से अब चलते हैं, और मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है, पहले जल्दी भागते हैं क्योंकि मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, तो जल्दी जाके मीटिंग करते हैं, देन उसके बाद डोसा खाएंगे, पहले प्लान था कि पहले डोसा देन मीटिंग, अब पहले मीटिंग देन डोसा, ओके समझ गए हो? तुम जहाँ कर रहे हो वैसे? मैं तो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? किसकी? ओहो बेटे दे दो यार थोड़े पैसे यार। भैया कितनी अमीरी है, बड़ी मैंने गलती से ज्यादा दे दिए क्या? यार जब तक मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं खुद से कैसे आएगी मेरे को? इधर उधर सीख लो ना, यहाँ पे बाईपास पे जाके सीख लो। बाईपास पे क्या, जब ये आई है आज हमें जाना ही है तो एक बार रोड पे, एक बार रोड पे चला के देख लूंगा। अरे इतना नहीं डरते भाई, चलाना नहीं, घूम जाओगे तुम। अरे नहीं अभी ये सीख गया भाई मैं। ये लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। मैम अब आप लेट नहीं हो रहे? चल रही हूँ ना बस। हाँ नहीं जब पहले तब से मेरे को बोले जा रही है चल लो चल लो चल लो, ऐसे प्रसाद झुग्गी रहा होता है ना, थोड़ा सा इसमें डालते हैं ना। चल बाय बाय। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, आपने याद दिलाया, ये एक चीज याद दिला दो उसके बाद चिल्ला चिल्ला के, ठीक है भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। पर अभी थोड़ी है, कल है। एडवांस में अब तुम आओगे तो वो नहीं, रात में है ना? आऊंगा ना, कल तो आऊंगा ना, शाम को आओगे? शाम को क्यों आऊंगा, दोपहर में आऊंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना कि मुझे याद ही ना रहे तुम्हारे बर्थडे। ओ भाई मुझे याद है, आज से ही याद है, देख लो। बाय 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 बाय, ठीक है जाओ। गजब बेइज्जती है, एक तो देखते ही नहीं है, जाओ क्या होता है। मैम थोड़ा जल्दी चल लो अगर आप चाहते हो कि मीटिंग के लिए लेट ना हो, तो थोड़ा भाग लो, भागो 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 भागो। मैं नहीं भाग रहा। आने दो आने दो आने दो। अरे कोई बात नहीं, फिर भी जाने दो। भाई तो मेरे को लोगों की ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर कोई भी किसी लड़की को ड्राइव करते हुए देखता है तो साला इतना जजमेंटल क्यों हो जाता है, हर किसी के मुंह बन जाता है, हर किसी का।
मैंने जस्ट अभी देखा 10 लोग ऐसे देख रहे थे कि लड़की ड्राइव कर रहे हैं। घटिया मेंटालिटी के साथ ही पैदा हुए लोग। ओ भैया ये देखो, ये भी कैप्चर कर रही, मैं भी कैप्चर कर रहा हूँ भैया। सीट के नीचे धरे थे मैडम ने गिफ्ट। मैम बर्थडे तो कल है, मैम बर्थडे तो कल है, देखो अपना आईफोन चमका रही है। गाइस बर्थडे गिफ्ट, गाइस प्री बर्थडे गिफ्ट, गाइस फरार रो सर, हमसे बोली ना जा रही, इन्होंने गिफ्ट कर दी। गाइस पहली बार मेरे को किसी ने ना ऐसे मतलब फूल दिए हैं बर्थडे पे, थैंक यू मैम। और गाइस ये तो चॉकलेट के पीछे तो मैं पागल हूँ, और मेरे को एक ब्लैक कवर चाहिए था फाइनली, क्योंकि मेरे फोन के कवर्स नहीं मिल रहे थे, तो मेरे को वो भी मिल गया। भाई ऐसी ठंड में अगर ऐसी धूप मिल जाए ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, कि मस्त ठंडे मौसम में हल्की हल्की भीमी भीमी धूप पड़ती रहे आपके ऊपर और हल्की हल्की गर्माहट का एहसास देते रहे। सो गाइस हम लोग वैसे लेट हो रहे थे अपनी मीटिंग के लिए पहुँचने के लिए, घर से हम बहुत पैनिक होकर निकले, बट टच वुड ऊपर वाला हमारे साथ था। एंड जस्ट अभी क्लाइंट का फोन आया कि वो 20 से 25 मिनट लेट है, तो अब हम आराम से गाड़ी पार्क करके नेहरू प्लेस हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे स्टारबक्स में जाना है हमें, तो वहाँ जाते हैं, थोड़ा कुछ ऑर्डर वॉर्डर करते हैं। गाइस ओ किया किया क्या किया भाई, स्टारबक्स है कहाँ यहाँ पे पता है आपको? तो हम जा कहाँ रहे हैं भाई? यहाँ तो जगह नहीं दिख रही मेरे को। स्टारबक्स आने की कोशिश पूरी नाकामयाब रही, बट कोई नहीं, स्टारबक्स में जगह नहीं है तो पास में डंकिन डोनट्स है, सो लेट्स गो डंकिन डोनट्स। यार मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आती, मतलब मीटिंग वगैरह के लिए लोग ऐसी जगहों पे क्यों आते हैं, मतलब एज इन यहाँ पे या डंकिन डोनट्स में या फिर स्टारबक्स में, कोई रीज़न? मतलब यहाँ पे आओगे तभी आप अमीर दिखोगे, सब छलाव आएगा। यहाँ आओ और अपने फोनों को ऐसे उल्टा रख दो। गाइस ऐसे लगते हैं रिच, अगर आपको रिच लगना है जैसा ख्वाहिश मैम ने बताया था, ऐसी जगह पे आओ, फोन ऐसे रखो और एक कॉफी लेके बैठ जाओ। यार एक तो ये ऐसी चीजें क्यों खाते हैं लोग, ऐसी चीजें कचरा क्या कर देते, टूटेगा नहीं तो क्या करेंगे भाई, मेरे से तो नहीं खाई जाती ऐसी चीज़ें। अपने लिए हाथ ठीक है भाई, चम्मच वम्मच नहीं जमता, हाथ से उठाओ, हाथ से खाओ। फाइनली मीटिंग हो चुकी है, हमारे क्लाइंट्स जा चुके हैं एंड डील डन हो गई है। सबसे अच्छी बात कि भाई जिस चीज़ के आए थे सक्सेसफुल है। यार मैं तो सोच रहा था कि डोसा खाने से पहले यहाँ पर बर्गर खा लें। चलो ज़्यादा ड्रामे ना पेलो, ओवर एक्टर है भाई। तो गाइस मेरे को एक चीज़ की संतुष्टि है, हमारे जो क्लाइंट थे वो 20 मिनट लेट नहीं, वो अराउंड 40 मिनट्स लेट थे, बट ठीक है यार, लेट होना चलेगा, एट लास्ट हमारी डील डन होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सीधे भागेंगे हल्दीराम की तरफ क्योंकि बहुत ज़ोर से क्रेविंग हो रही है। सो भाई मीटिंग निपटा के अब हम जा रहे हैं हल्दीराम डोसा खाने, क्योंकि बहुत मन था। भाई इतनी गर्मी होगी कि मेरे से वो जैकेट नहीं पहनी जा रही थी, तो जैकेट भी उतार दिया आराम से। अब हम आ गए हल्दीराम। भाई पहले हम बाहर पार्क कर रहे थे गाड़ी, बट फिर हमने किसी को देखा कि वो अपनी गाड़ी हटा के पार्किंग में लगा रहे हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई यहाँ लगा देते हैं, सेफ रहेगा। सो गाइस हल्दीराम चल के पहलते हैं डोसा। गाइस अभी हमने लिया है एक मसाला डोसा एंड एक फ्रेश लाइम सोडा, तो जल्दी से आते हैं। ख्वाहिश बैठी है एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट। अब वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। भूख बहुत ज़ोरों से लगी है क्योंकि मीटिंग में भी हमने ऐसा कुछ खाया नहीं, बस वही कॉफ़ी एंड जो पेस्ट्री वेस्ट्री ली थी उसके अलावा कुछ नहीं। सो यस अभी एक ही मंगवाया, फिर देखते हैं कि और कितना मंगाना है, अगर और भूख लगेगी तो और कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि पार्टी ख्वाहिश की तरफ से है। मैं गरीब हूँ। हो गया हमारा डोसा रेडी। आप क्या पूछ रहे थे उससे? हाँ? आप पूछ के स्पून नहीं रखा हुआ। वाह इतना बड़ा स्पून इसको दिख नहीं रहा, ऐसे था। बस चुप हो जा आप। गैस छल, इतने बड़े डोसे में इतना साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है मेरे साथ। भाई ये डोसा खा के मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे खाना है मगर व्लॉग बनाना भी जरूरी है। ओह माय गॉड टक्कर होते होते बच गई। देखते नहीं है क्या पीछे? सामने दिख रहा है आपको पता है भाई,
एक दाग लग गया हल्का सा फोन पे, उस पर भी इतना चिल्ला रही है, दिखाना जरा एक से। एक कवर पे हल्का सा मैंने गलती से दाग लगा दिया तो उस पर इतना गुस्सा हो रही है। तो गाइस अब हम खाने जा रहे हैं माधुरी। भाई आपने माधुरी खाई है पहले कभी? फर्स्ट टाइम है, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा भाई ये है खांड भी, मैंने कभी खाई नहीं है, खाते हैं आज। ख्वाहिश कह रही है कि अच्छा होता है, अब देखते हैं कि अच्छी होती भी है नहीं। मेरा दिमाग बड़ा ख़राब होता है जब मैं कुछ ऐसा खा लेता हूँ जो मेरे को पसंद ना आए। ओए नहीं मतलब हाँ पसंद आएगा वो, देखते हैं ना। वो तो आप कह रहे हैं आपको पसंद है, मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा देखते हैं। कैसे हो भैया आप? बढ़िया। गाइस भैया ने हमें एक कांड भी ऐसे खिलाई है, ट्राई कराई, मज़ा आ गया। मतलब मैं लाइफ में पहली बार खाई है बट अमेजिंग। थैंक यू सो मच भैया। भाई ये लड़की पड़ गई है पीछे कि कवर खराब करा है तो आज ही दिलाओगे। क्योंकि एक जगह नहीं है, ये दो जगह है। यहाँ पे कहाँ दो जगह है? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अबे यार हद हो गई यार, इतने से दाग के लिए नया कवर। मतलब अभी बर्थडे गिफ्ट मिल रहे थे, अब मेरे से गिफ्ट। क्या चाहते हो मैम? किस चीज से बना है? अब किसी से भी बनाओ, खा के देखो कैसा है, कैसा है। अबे रिएक्शन तो दे दे। Nice. बट भाई आप एक बात तो मानोगे ना, डोसे के नाम पे जो इसने स्कैम करा है ना हमारे साथ, कभी डोसा खाना तो यहाँ मत आना। भाई डोसा खा के हो गया मूड खराब, तो अब मैंने बहुत ढूंढा, मतलब कि नियर बाय कहीं कोई अच्छा डोसा पॉइंट मिल जाए, डोसा कॉर्नर मिल जाए, डोसा रेस्टोरेंट मिल जाए, बट एज सच कुछ दिख नहीं रहा था। तो कल मेरा बर्थडे है तो ख्वाहिश मैम ने खुद ने ही बोल दिया कि चलो ठीक है अभी आज इसका शूट है तो इसको आराम से जाना, टाइम है थोड़ा अभी जाने के लिए, और मेरे को भी दो मेरे दोस्तों से मिलना है, उसमें भी टाइम है। तो इसने बोला कि चलो ठीक है कल आपका बर्थडे है तो आपको आज एक छोटी सी ट्रीट देती हूँ, मतलब ये मुझे ट्रीट दे रही है। सो अब हम जा रहे हैं कहीं किसी क्लब में, क्लब कह रहा हूँ सॉरी कैफ़े में, क्लब देखो उल्टा मत समझना, कैफ़े जा रहे हैं एक्चुअल में। हाँ तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत खाते पीते हैं ताकि थोड़ा जो ये डोसे से हमारा मूड ख़राब हुआ है वो थोड़ा सही हो। तो आगे बने रहे। भाई मतलब बीच हाईवे में कहीं से भी मोड़ देते हैं लोग, चलती रोड है भाई, हाईवे प्रॉपर हाईवे है भाई, और बंदा उस लेन से ऐसे मोड़ रहा है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसने कौन सा कैफे देखा है कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। सुबह से शाम होगी भाई, बट मैम का कैफे नहीं आया अभी तक। मैम ने लोकेशन डाली हुई थी तब से और अब तक नहीं पहुंचे हम, और अभी मैम कह रही है मैम को टचअप भी करना है अपना। तो भाई मेरे को नहीं पता क्या होने वाला, बट मेरे को लग रही है भूख बहुत जोर से। भाई मैम को करना होता है मेकअप, बिना मेकअप के जा नहीं सकती, तो इससे पहले ये खाने पीने जाए इनको टचअप तो जरूरी है। टचअप देखो लाल बंदर बन गई है। और क्या भाई एक बात बताओ मेरे को, जब सुबह मीटिंग के लिए जाना था तब इतने एफर्ट डाले थे आपने? नहीं। जितना भी खाने के लिए जा रहे हो गए मैम आप रेडी? यस सर। चलें अब खाने? यस। भूख लग रही है हमें भी। भाई मेरे को तो बहुत जोरों की लग रही है भाई। भाई जगह तो बढ़िया है भाई ये। ओ आई के भाई ये है तो बढ़िया भाई, कुछ भी कहो मैम, गुड चॉइस गुड चॉइस। भाई ये पागल लड़की देख लो भाई, मतलब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब कल उस बच्चे ने सरप्राइज दिया, आज मैम ने सरप्राइज दिया, अभी तो बर्थडे आया भी नहीं है भाई, बर्थडे आने पे क्या होगा। लेट्स गो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो भाई मैम ने दिया ये सरप्राइज हमें, उस टाइम गाने चल रहे थे, मुझे नहीं पता कि आवाज आएगी नहीं आएगी, बट भाई मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। थैंक यू सो मच मैम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं हमारे प्री बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। और ये इतना बचकाना बच्चा था ना, हम लोग खाना खा रहे थे भाई ये पत्थर फेंक रहा था हम पे स्टूपिड। भाई बट ऑनेस्टली मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ सरप्राइज होगा, मतलब मेरे को बस ये था कि मैम ने बोला कि चलो आज ट्रीट मेरी तरफ से तो हाँ आज खाने पीने चलते हैं, बट भाई कितना सही था, मतलब मज़ा आ गया मेरे को। ऐसा होना चाहिए सरप्राइज गाइस, ऐसा दिया करो मेरे को सरप्राइज। बट भाई एक्चुअल में बहुत अच्छा था यार, मतलब मेरे को बहुत कम सरप्राइजेस मिले हैं, बट यस आज मेरे को इतना सही सरप्राइज मिला, मतलब बर्थडे से पहले मिला तो वो और अच्छा लगा मेरे को। तो भाई मज़ा आ गया यार, मतलब मैं बार बार वही बोल रहा हूँ एक्चुअली। सो गाइज
खाना खा लिया है, सरप्राइज ले लिया है, अब ख्वाहिश मैम जाएंगी अपने शूट के लिए एंड मेरे को मैम मेट्रो स्टेशन फेंकेंगी ताकि मैं देव के पास पहुंच सकूं, वो भी उसके बहुत सारे फोन्स आ चुके हैं, बट भाई मैं जल्दी आ रहा हूं भाग के, टेंशन मत ले भाई। वो सब कुछ ओपन एरिया में था कैफे, तो अब हाथ एकदम ऐसे अकड़ गए हैं कि ऐसे फोल्ड करने पे भी ना दर्द हो रहे हैं, इसके भी हाथ ऐसे हो गए हैं ड्राइव करते वक्त करी कि अकड़ रहे हैं बिल्कुल बुरे वाले। तो भाई मज़े के साथ साथ थोड़ी सी सज़ा भी फेस करनी पड़ रही है। तो भाई हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। ओके मैम बाय बाय। हाँ कर दूंगा, पहुँचो आप भी पहुँच के कर देना मैसेज। अरे गाड़ी बंद होगी मैम की। चलो बाय बाय। तो गाइज ख्वाहिश मैम जा चुकी हैं, हम भी चलते जल्दी, देव वेव सब वेट कर रहे होंगे और वो मेरे को बहुत गाली दे रहे हैं भाई कि कहाँ हैं, सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, तो जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे एंड उसके बाद डे एंड करेंगे क्योंकि पार्टी वार्टी चलेगी तो मेरे को नहीं लगता कि व्लॉग कर पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग, आई होप आपको बहुत पसंद आया हो एंड अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना एंड कल मिलेंगे हम हमारे स्पेशल बर्थडे व्लॉग में। सो गुड नाइट, बाय बाय।